मेरा कार जो है कि सेब्रोलेट का ओपत्रा है, चलने लायक नहीं है, ख़राब है। फ्रेंड ऐसे आपको ये खोल लेना है, ये आगे का फ्रंट व्हील है, आप देख सकते हैं इतना अच्छे से वो साफ नहीं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आप देख रहे हैं आलम ब्लॉग्स। तो आलम ब्लॉग्स में आपको हर काम आपको सिर्फ ब्लॉगिंग या नहीं मिलता है, इसमें आपको अपना खुद से कौन कौन आप काम कर सकते हैं, वो जो काम हम खुद से कर लेते हैं वो काम हम सोचते हैं अपने व्यूअर्स को शेयर करें। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले कि मेरे पास जो कार है ओपत्रा, उसके पास उसका जो ब्रेक क्लिपर है उसमें ग्रीसिंग कैसे करते हैं, जो कि ब्रेक को आपका जो पैड है एकदम से पकड़े रहता है, आपको पता है वो कभी आपको गाड़ी उसकी वजह से आपको माइलेज भी नहीं देती है। आपकी गाड़ी जितना हो आप पिकअप देंगे रेस देंगे तो वो आपको स्लो चलेगी, तो इसलिए आपका कहाँ उसका मसला है हम आपको दिखाते हैं। क्लिपर जो है उसमें ग्रीसिंग करना रहता है ताकि वो पुराना हो जाता है, तो जब उसको ब्रेक पैड आप ब्रेक पुश करते हैं तो जब चिपकता है तो उसको पकड़े ही रह जाता है, उसमें लुब्रिकेंट करना रहता है ताकि उसको आप अच्छे से लुब्रिकेंट करेंगे तब जा कर के वो आपको फिर से वापस से वो काम करेगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप उसको ब्रेक क्लिपर को अच्छे से आप ग्रीसिंग करेंगे और ख़ुद से अपने घर पर कर सकते हैं। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आपको लगभग 1 से 1.5 साल तक ही चलेगा, लेकिन वही मैकेनिक करेगा तो 4 से 5 महीने के बाद आपको वैसे हो जाएगा, अच्छे से क्लीन नहीं करेगा, फिर से वैसे थोड़ा मोड़ा साफ सुफ करके और आपको उसमें ग्रीसिंग करके लगा के आपको दे देगा, फिर से 4 से 6 महीने के बाद आपको फिर से दोबारा करना पड़ेगा। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि देख सकते हैं इसमें आपको स्पाइनर लेना होगा 14 mm का, यानी कि 14 का स्पाइनर आपको लेना होगा। आपकी कार दूसरी है तो इसमें स्पाइनर दूसरा भी लग सकता है, 12 का भी लग सकता है, 17 का भी लग सकता है। मेरा कार जो है कि सेब्रोलेट का ओपत्रा है, ओपत्रा में 14 mm का लग रहा है ये स्पाइनर इसको खोलने के लिए, ठीक है ना। अगर आपके पास WD-40 होगा तो इसके ऊपर मार लेंगे बोर्ड के ऊपर तो आसानी से ईजी खुल जाता है, ठीक है ना फ्रेंड। तो देख सकते हैं आपको, और हम पहले लूज कर चुके हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, यही आपको दोनों बोल्ट खोलना होगा। अगर आपको सिर्फ ब्रेक पैड जो है कि ब्रेक शूज जो इसमें जो चेंज करना रहता है तो सिर्फ आपको ये बोल्ट खोल के और इसको आपको ऐसे उठा देने से बाद में उसको आप पैड चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको क्लिपर में इसमें ग्रीसिंग करना है। यहाँ ये देखिए रबड़ फट चुका, अगर रहेगा नया तो आदमी चेंज करेगा, नहीं तो इसको काम चलाने लायक लगाएगा, लेकिन ये चलने लायक नहीं है, ख़राब है, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसा ही आपको साफ करना होगा, दोनों बोल्ट निकाल के इसको अलग करके। तो देख रहे फ्रेंड ऐसे आपको ये खोल लेना है, ये ऐसे लगा हुआ था, आपको पता ही है ये ऐसे सिस्टम में था, एक यहाँ बोल्ट था और एक यहाँ था, हम अकेले बना रहे हैं खुद से वीडियो इसलिए ऐसे हो रहा है। एक ऊपर में यहाँ बोल्ट था और एक नीचे, तो दोनों को बोल्ट को खोलने के बाद इसको बाहर आप आराम से निकाल के ऐसे रख देना, टूटेगा तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो चाहे आप इसको ऊपर भी रख सकते हैं डिस्क ऊपर ताकि इसको ये गिरे ना, गिर के टूटेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपको क्या है इसका स्थिति। तो देखिएगा आप तो चलिए फिर इसको यहाँ से देखिए ये हमको निकालना होगा और ये निकाल के इसी को ग्रीसिंग किया जाता है, और ये सिर्फ इसी को ग्रीसिंग करना है तो खुद से आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस दूसरे टायर में भी कर सकते हैं। ये आगे का फ्रंट व्हील है आप देख सकते हैं, जो कि डिस्क ब्रेक होगा उसी का ये हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, ड्रम ब्रेक का नहीं बता रहे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, देखिए फिर आपको ये खोल गम दिखाते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल हम अच्छे से इसको साफ कर लिए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही आपको अच्छे से साफ कर लेना है, थोड़ा कोई अगर नाई कोई अगर हो तो उसे अच्छे से मतलब स्क्रैच ना आए, जो इसमें बहुत पुराना जो रहता है ना तो इसमें ये लगा रहा रहता है। और ये देखिए इसको अच्छे से साफ कीजिएगा ताकि ये फट ना जाए, ये रबड़ अगर पुराना होगा तो फटने का चांस भी रहता है, ठीक है ना। देखिए ये मेरा थोड़ा पुराना ही है तो आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन आप जब जाएंगे मैकेनिक के पास ना तो इतना अच्छे से वो साफ़ नहीं करके आपको लगाएगा, वो निकालेगा एक बार कपड़ा मारेगा और तुरंत लगा देगा, फिर आपको 4-5 महीने के बाद फिर आपको दोबारा करना पड़ जाएगा इसको साफ़ सफाई, फिर से दोबारा ग्रीसिंग करना पड़ेगा, देख रहे हैं फ्रेंड। तो बिल्कुल ऐसे ही अच्छे से आपको इसको क्लीन कर लेना है फ्रेंड। अभी हम इसको लगा दिए हैं ग्रीसिंग करने के बाद से, इसको आपको ऐसे ही लगा देना है। अब उसके बाद से ही हम उसको चढ़ाते हैं, कंप्लीट हम करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड। अभी हम इसको लगा दिए कि इसलिए कि हम खुद से अकेले ही बना रहे हैं वीडियो, तो इसलिए ताकि अभी जैसे आप खोले तो वैसे ही निकल गया था बाहर, ऊपर रख दिए थे। अब ये लगाने के बाद फिर आपको वैसे ही ले कर इसको लगा देना है, इसमें लगा देना है, बस बिल्कुल सिंपल है। आप घर पे भी चाहें
तो अपने कार का ऐसे जो कि ब्रेक का मसला आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं। बस अब इसको टाइट कर देना है, इसको भी और इसको भी टाइट कर देना है, काम ख़त्म। और आप पैर लगा सकते हैं, देखिए कितना आसान है।